डोसा तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरीके से टेस्टी और हेल्दी डोसा बनाएं। हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हरी मूंग दाल और ओट्स का डोसा। इस डोसे को बनाना बहुत ही आसान है और यह डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। बच्चों के लिए तो यह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप हरा मूंग दाल ले लेंगे और दूसरे बोल में 3/4 कप ओट्स ले लेंगे। अब इन दोनों बोल में पानी ऐड करेंगे। ओट्स के बोल में इतना ही पानी डालेगा जिससे जो ओट्स हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं, क्योंकि जो ओट्स का पानी है उसे हम पीसते समय इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बहुत सारा पानी नहीं ऐड करिएगा ओट्स में। अब इन्हें 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। 8 घंटे बाद मूंग दाल का पानी छान लेंगे और ओट्स का पानी नहीं छानेंगे क्योंकि हम उसे पीसने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मूंग दाल अच्छे से फूल गए हैं। अब इन सभी के साथ में 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक ले लेंगे। अब इन सभी को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इन सभी को अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने इसे पीसते समय ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया है। यह बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच पानी और ऐड करूँगी। जिस ग्राइंडर जार में पीसा था उसे खंगाल कर इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल डोसे के बैटर जैसी। इसके बाद इसमें 1.5 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर बिल्कुल रेडी है, अब इसे डोसा बना लेते हैं। तवे पर थोड़ा सा बैटर डालकर इसे डोसे की तरह फैला लेंगे। अगर आप डोसे की तरह नहीं फैला पाते हैं तो स्पून की मदद से इसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए। फैलाने के बाद इसे तब तक पकाएंगे जब तक यह निचली साइड से बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए, बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए। ये देखिए, यह ऊपर की साइड से थोड़ा सा ड्राई हो गया। इस पर थोड़ा घी लगा देंगे। नीचे की साइड से सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसे वापस से पलट लेंगे। इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सब्जियाँ ऐड करने वाली हूँ, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें पनीर को घिसकर ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां ऐड करें। यह डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही हेल्दी है। ये सुबह के नाश्ते के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे बिना किसी स्टफिंग के भी बना सकते हैं। यह बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इस डोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यह बच्चे और बड़े हर कोई बहुत मन से खाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।